इतिहास जब पुराना हो जाता है तो लोग उसे पुराण कहते हैं। हमारे पुराणों में प्राचीन भारत का इतिहास है, युगों युगों से चली आ रही मनुष्य सृष्टि के कल्याण के लिए हर काल में किसी न किसी युग पुरुष ने जन्म लिया। त्रेता युग में राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम का संदेश दिया, समाज के चरित्र का निर्माण किया। द्वापर युग में कृष्ण ने गीता के द्वारा कर्म का सिद्धांत समझाया और धर्म की संस्थापना की। पर समय चलते धर्म के नाम पर अधर्म बढ़ा, असत्य अराजकता असमानता अस्पृश्यता अर्थ सिद्धि और अंधश्रद्धा का पाखंड चारों ओर फैलने लगा। मनुष्य भयभीत हो अज्ञान के अंधकार में भटकने लगा। इसी अंधकार को दूर करने पुनः एक युग पुरुष जन्म लेने वाला था और इस बार उस युग पुरुष का नाम था बुद्ध। महाभारत युद्ध पश्चात कई युग बीत चुके थे। उस महायुद्ध की परछाई ने भारतवर्ष को कई हिस्सों में बांट दिया था। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पूर्व भारत में मगध और वैशाली के समीप एक संघ राज्य था, कपिलवस्तु। उस समय कपिलवस्तु पर शाक्य कुल के पराक्रमी क्षत्रिय सूर्यवंशी राजा शुद्धोदन का शासन था। खुशी का संदेश है। हाँ लौशिका, वरना ये गगन ढोल क्यों बजे? एक ओर से आए राजा, दूजी ओर से पांडव भी। युद्ध हुआ रण में घमासान, अंत में जीते जो थे वीर। छोटी महादेवी, हम तुझे ही आवाज देने वाले थे लसिका। यह गगनढोल खुशी के समाचार है महादेवी। महाराज शुद्धोधन पांडव भीलों की प्रजाति को युद्ध में पराजित कर कपिलवस्तु लौट रहे हैं। ईश्वर ने हमारी मनोकामना पूरी कर दी। क्या यह समाचार महादेवी महामाया तक पहुंचा? नहीं, वो इस समय अपने कक्ष में नहीं है। ठीक है, तू गरीबों में अन्नदान का प्रबंध कर। यह खुशी का समाचार हम स्वयं अपनी बड़ी बहन को देंगे। पकड़ लिया। दीपदत्त, बाकी बच्चे कहाँ गए? बच्चे? कौन से बच्चे? यहाँ मैं अकेला हूँ। ये क्या हो रहा है हमें? अब मैं जाऊँ? हाँ, कहाँ? अपनी माँ के पास। आपने मुझे एक वचन दिया था ना? हाँ, वो तो मैं भूल ही गया।
तो फिर बोलो, बिना बोले मैं आपको जाने नहीं दूंगी। बोलो बोलो ना। पहले अपनी आंखें तो बंद कीजिए। श्रृंगार वो किस लिए? यह गगन ढोल सुने नहीं तुमने? हवाएं समाचार लाई हैं, महाराज विजयी होकर लौट रहे हैं। पूरे कपिलवस्तु में आनंद का गुलाल छाया है। प्रजापति, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो जाकर उनके स्वागत की तैयारी कर, और आने पर इतनी सेवा करना उनकी, इतनी खुशी देना उन्हें कि युद्ध भूमि की सारी थकान मिट जाए। और तुम खुशी के मौके पर पांच का चेहरा नहीं देखते प्रजापति। दीदी, मेरा चेहरा देखते ही संतान ना होने का मेरा ये दुख महाराज का दुख बन जाएगा, और मैं उनके दुख का कारण नहीं बनना चाहती। दीदी, तुमने महाराज से मेरा विवाह इसलिए कराया था ताकि महाराज को संतान सुख प्राप्त हो और कपिल वस्तु को उसका उत्तराधिकारी। किंतु 4 वर्ष हो गए, मैं भी महाराज को संतान का सुख नहीं दे पाई। तो पांच तो मैं भी हुई ना? ना ना प्रजापति, ना। मैं अपनी आशा के मुझसे अशुभ सुनना नहीं चाहती। और मैं भी तुम्हें इस हाल में नहीं देखना चाहती। इस वक्त हम दोनों का कर्तव्य है कि हम मिलके महाराज का स्वागत करें और उनकी खुशी को दोगुना कर दें। क्या चाहती हो तुम? बस इतना कि जब महाराज आए तो तुम उनका स्वागत पूरे 16 श्रृंगार के साथ करो, और महाराज बस तुम्हें ही देखते रह जाएं। महाराज की, 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 महाराज की। कैसे हो अनुज द्रोणोदन? आपका आशीर्वाद है भाई महाराज, और राज्य में भी सब कुछ कुशल मंगल है। तुम हो तो अमंगल हो भी कैसे सकता है? तुम ही हो जिसके कंधे पर मैं कपिल वस्तु का भार सौंप कर निस्संदेह युद्ध पर जा सकता हूँ। आइए। रुकिए, हम आपको प्रवेश करने नहीं देंगे। तुम मुझे प्रवेश क्यों नहीं करने दोगे? पहले आप मेरे लिए क्या लाए हैं वो दीजिए, तभी हम आपको भीतर आने देंगे। मैं राजा होकर सबसे कर वसूल लेता हूँ, और ये राजा देवदत्त मुझसे कर ले रहा है। ये रहा आपका उपहार। आप मुझसे युद्ध के बिना भीतर नहीं जा सकते। मेरी ही तलवार और मुझ पर प्रहार। ठीक। अप्रति चले। महाराज की, महाराज की, महाराज की। बहुत पीड़ा हो रही है। नहीं मामा, ये पीड़ा उस पीड़ा के आगे कुछ नहीं जो भाग्य ने हमें दिया है।
कहने को तो सब कुछ है हमारे पास, परंतु देखा जाए तो कुछ भी नहीं। दो ब्याह करने के पश्चात भी हम निसंतान हैं। आपके दुख का कारण है ईश्वर के यहां विलंब है, अंधकार नहीं। कुलगुरु वाचस्पति ने संदेशा भेजा है, शीघ्र ही ऐसा योग आएगा जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेगा, चंद्र कर्क लग्न में होगा, शुक्र मीन राशि में होगा, पुनर्वसु नक्षत्र होगा। ये वही नक्षत्र है जिस नक्षत्र में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इस योग में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने से हमें हमारी प्रार्थनाओं का फल अवश्य मिलेगा देव। हम तो केवल आपकी गोद में अपने पुत्र को देखना चाहते हैं माया। हमारी गोद तो भरने से रही, किंतु देखिएगा शीघ्र ही प्रजापति की गोद अवश्य किलकारियों से भर जाएगी देव। तथास्तु। पहलाने को पुत्र क्या दिया, महादेवी तो उसे खिलौना समझ बैठी है। अरे महादेवी, आप इस वक्त यहां? वो हमें नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आप एक क्षण देवदत्त को देखाएं। देवी बिल्कुल ठीक किया, मेरा देवदत्त आपका पुत्र ही तो है। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि देवदत्त आपके समीप आपकी ममता के आंचल में ही रहे। महादेवी आप यहाँ क्या कर रही हैं? महाराज मैं समझती हूँ महादेवी की व्यथा, हो जाता है ऐसा कभी कभी, जो चीज नहीं होती उसकी इच्छा प्रबल हो जाती। वैसे महाराज देवदत्त आप ही का पुत्र है, ले जाइए इसे। देवदत्त कहाँ है मंगला? महाराज के पास। यही बात अच्छी नहीं लगती, जब भी मैं अपने पुत्र से मिलना चाहता हूँ या तो वो महादेवी के पास होता है या फिर महाराज के पास। उस रात भी जब मैंने उसे भेजा, आज नहीं तो कब देवदत्त को महाराज की जगह जो लेने युवराज जो बनना, और फिर
कपिल वस्तु का महाराज। जब जब मैं देवदत्त को महाराज के साथ सिंहासन पर बैठा देखती हूँ, मन सपने बुनने लगता है और फिर सुनाई देता है युवराज देवदत्त की जय, युवराज देवदत्त की जय। मन के पंछी पकड़ना छोड़ दो मंगला। जिस दिन महादेवी माया या प्रजापति दोनों में से किसी एक को संतान हो गई तो तुम्हारी सारी इच्छाएं धरी की धरी रह जाएंगी। के पंचों को कैसे पकड़ लिया मैं? ये उनके सपने थे और मेरा चाह। उन्हें संतान प्राप्त होना असंभव है। आज उसी असंभव को संभव बनाने कुल गुरु वाचस्पति आज पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने के लिए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ? ऐसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने से अगर संतान प्राप्त होने लगे तो सारे संसार में आग लग जाएगी। कामुका जी, देवी इन पंछियों को पिंजरे में बंद कर दो, देवदत्त को तीरंदाजी में काम आएंगे। राजन, सभी देवी देवताओं और ग्रहों के बाद हम कुल देवता सूर्य देव का आवाहन करें। सूर्य देवता अपने कुल की रक्षा हेतु अपनी किरणों पर सवार होकर इस कमल को खिलाएंगे। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद महासर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। साधो साधो, कमल के फूल का खिलना यह संकेत देता है कि आपका भाग्य खुलने वाला है राजन। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। महाराज की। प्रजापति, हम आप ही के कक्ष में आ रहे हैं। नहीं देव, हम चाहते हैं कि आज की अशुभ रात्रि आप महादेवी माया के साथ ही बिताएं। परंतु महामाया चाहती है कि आज की रात्रि हमारा मिलन हो। किंतु प्रकृति का संकेत कुछ और ही कह रहा है। हम कुछ समझे नहीं। कुछ दिन स्त्रियों को अकेले ही बिताने होते हैं देव। आप जाएं, कल का सूर्य कपिल वस्तु में नई खुशियां लाएगा। आपकी रात्रि शुभ।
आप यहाँ? आपको तो प्रजापति के कक्ष में होना चाहिए। छोटा मुंह बड़ी बात, आपने महाराज से झूठ क्यों कहा? क्या आप रजस्वला है? क्योंकि हम चाहते हैं कि कपिलवस्तु का उत्तराधिकारी दीदी की कोख से पैदा हो। उनकी संतान इच्छा इतनी प्रबल है, इस योग में भाग्य को भी विवश होना पड़ेगा। तो ये था वो स्वप्न जो महारानी महादेवी ने पुत्र कामिष्ठ यज्ञ के पश्चात देखा। आदरणीय कुलगुरु वाचस्पति एवं समस्त ब्राह्मण गण, कृपा करके हमें ये बताएं स्वप्न का तात्पर्य क्या है। राजन, ये स्वप्न शुभ है। लाल कमल का खिलना सृजन का संकेत, आकाश से सफेद हाथी ऐरावत के अवतरण का अर्थ है। वो दिव्य आत्मा जन्म लेने वाली। बधाई हो, महादेवी गर्भ से है। बधाई हो महादेवी, बधाई हो महाराज। बहुत बहुत बधाई। बधाई हो महाराज, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। वैद्य जी ने घोषणा कर दी है, महादेवी गर्भ से है। अब शीघ्र ही कपिल वस्तु को उसका उत्तराधिकारी मिलेगा। बधाई हो, बधाई हो। राजन, एक और बात, इस योग में जन्म लेने वाला बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। ऐसा ही होगा। हम तो केवल राजा बने, वो राजाओं का राजा होगा, महान योद्धा होगा।
चक्रवर्ती सम्राट होगा। जिसके लिए व्याकुल मन सबका, वहां आया शुभ समाचार, है कोई आने वाला जो लाएगा खुशियों का संसार। अरे वो कौन है, कौन है भाई, बुझो बुझो। वो कपिल वस्तु का युवराज। ये क्या कर रही हैं आप, इन पंछियों को क्यों उड़ा रही हैं? ये पंछी नहीं है मंगला दीदी, ये हर्ष है, उल्लास है, इन्हें मैं व्यक्त कर रही हूँ। देखो ना, इन्हें इनके बंधन से मुक्ति मिल गई और हमें हमारे दुर्भाग्य से। आज मैं इतनी आनंदित हूँ कि बस व्यक्त नहीं कर सकती। वो तो मैं देख रही हूँ कि आप कितनी आनंदित हो रही हैं, जैसे संतान महादेवी माया को नहीं आपको ही होने वाली। सच कहा मंगला दीदी, यदि संतान मुझे होने वाली होती तो ये आनंद आधा होता, महादेवी माया को हो रही है इसलिए आनंद दुगना हो गया है। जिसका अधिकार है उसी की कोख फल रही है। मगर फिर भी इस तरह आनंद का प्रदर्शन करना अच्छा नहीं होता। वो कहते हैं ना, ईर्ष्या का विष तो हवाओं में भी होता है। न जाने कौन विघ्नकर्ता सुन ले और न जाने किसकी अशुभ दृष्टि लग जाए। अब तो जो अशुभ दृष्टि डालेगा चेहरा उसी का काला होगा। तुम्हारे चेहरे पर मेरा काजल था मंगला दीदी। मेरे तो केवल गालों पर काजल था महादेवी प्रजापति, पर मैं तो तुम्हें काजल भरे काले आंसू रुलाऊंगी। बस एक और। तो मेरी माँ है या बहन, क्या क्या करेगी मेरे लिए? अब रिश्ता है तो करना तो होगा ही। और वैसे भी तुम सब के साथ तो युवराज का केवल एक ही रिश्ता है, पर मेरे साथ तो दो दो हैं। दो? वो कैसे? अब देखो, मैं महाराज की अर्धांगनी हूँ, यानी युवराज की माँ हुई, और तुम्हारी बहन अर्थात युवराज की मासी भी हूँ। तो हुए ना दो दो रिश्ते। महादेवी, क्या हुआ? देवदत्त कंचे खेल रहा था, महादेवी का पैर फिसला। आप ठीक तो हैं महादेवी? ईश्वर की कृपा है, नहीं तो आज महादेवी की गोद सुनी हो जाती। गोद सुनी हो शत्रुओं की, महादेवी की तो बस गोद भराई होगी। क्यों दीदी, तथास्तु बोलो। मंगला दीदी, तथास्तु बोलो। तथा
आपने सेवक को बुलाया? सुना है तू लौशिका से ब्याह करना चाहता है ना? चाहने से कुछ नहीं होता मंजरे राजा, क्योंकि लौशिका के पिता तुझसे प्रति भेंट में स्वर्ण मुद्राएं मांग रहा है। जी ये तेरे लिए है गोपाल, बस तुझे मेरे लिए एक छोटा सा कार्य करना होगा। ऐसी पतिया ढूंढनी होगी जिसके रस से मनुष्य की मृत्यु हो जाए। तब तक बैद हुसैन के यहाँ जड़ी बूटियां पीसता रहेगा। मैं तो कहता हूं इस बार अपने दुर्भाग्य को ही पीसता। उठा ले, उठा। मैंने तेरा कार्य कर दिया गोपाल, अब तू मेरा एक कार्य करे। कुछ ही दिनों के पश्चात महादेवी माया की गोद भराई है और इस अवसर को मैं छोड़ना नहीं चाहता। बस गोद भराई के दिन मुझे इतना ही करना होगा। किसने दी तुझे ही मोहर? ये मैं नहीं बता सकता लौशिका। तू मेरा मरा मुंह देखेगा गोपाल, यदि ना बताया तो? यदि बता दिया तो तू मेरा मरा मुंह देखी, वो जीवित नहीं छोड़ेंगे मुझे। लेकिन क्या लौशिका, कब तक तू दासी बन के रहेगी और कब तक मैं ये पत्तियां पीसता रहूंगा? महाराज को पता चल गया तो? अब वो तुझ पर निर्भर करता है लौशिका, कि तू किससे ज्यादा स्नेह करती है, अपने गोपाल से या फिर कपिल वस्तु के आने वाले उत्तराधिकारी से। जो खीर महादेवी को खिलाई जाएगी उसमें मुझे विष मिलाना है। गोपाल सब कुछ हमारे विवाह के लिए कर रहा है, पर मैं महादेवी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती, जानकर अनजान नहीं बन सकती। दोनों ने माँ से भी अधिक स्नेह दिया है मुझे। लसिका तू यहाँ क्या कर रही है? देवी देवी मुझे आपसे एक अत्यंत आवश्यक बात करनी है। वो तू महादेवी माया को? क्या कहना चाहती है? जी जी कुछ नहीं। ॐ मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमा। किसका साथ दे रही है लौशिका? क्या एक अपराधी के साथ जीवन बिता पाएगी? मुझे गोपाल को रोकना ही होगा। महादेव अब तो आपको बच्चा संभालना सीखना ही होगा। ये सब आप इन्हें क्यों बता रही हैं? ये तो केवल युवराज को जन्म देंगी, पालूंगी मैं। हाँ यशोदा मैया हाँ। महादेवी आपसे एक आवश्यक बात करनी है। लौशिका जो बात करनी है बाद में कर, चले जा भगवान का नैवेद्य ले। पता नहीं महादेवी ने सवेरे से अन्न ग्रहण नहीं किया। जा देवी प्रजापति लीजिए। देवदत्त आओ महादेवी को प्रसाद ग्रहण करने दो। तो
महादेवी, पहले मैं खीर खाऊंगा। अच्छा ठीक है, पहले हम आपको खिलाते हैं। चलो मुंह खोलो। मैं तो पहले महादेवी को खिलाऊंगी। नहीं पहले मैं। अच्छा ठीक, मत खिलाइए। रुक जाइए महादेवी। लौशिका, ये क्या कर रही हो? महादेवी, इस खीर में विष मिला है। खीर में विष? किसने मिलाया विष? किसने मिलाया विष? हम तुमसे पूछ रहे हैं। किसके कहने पे किया तुमने ये? उत्तर दो गोपाल। क्यों किया ऐसा, बता। बोलो। तूने ऐसा क्यों किया? भैया ये आपने क्या किया? गोपाल का जीवित रहना आवश्यक था, वही हमें असली अपराधी तक पहुंचा सकता था। हमें क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु हमारे कुल पे कोई अशुभ दृष्टि डाले ऐसे व्यक्ति को हम एक क्षण भी जीवित नहीं देख सकते, एक क्षण भी नहीं। आपके सनुज बहुत बड़ी भूल, हमें क्षमा कर दीजिए मां, क्षमा कर दीजिए मां। एक बात कहनी थी, तुम्हें आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है मंगला। महादेवी, महाराज का जीवन संकट में। ये तुम क्या कह रही हो मंगला? एकांत, पर यहां महाराज को किससे संकट हो सकता है? आप मंगला। महादेवी सुना है, जो संतान 10वें महीने के बाद पैदा होती है, यदि अपने पिता के घर पैदा हो तो पिता के जीवन पर भारी पड़ती है। मैंने इस बात को पहले नहीं माना, परंतु ज्योतिषों ने प्रमाण दिया तो। महादेवी, वो मैं ही थी जिसने आपका हाथ पकड़कर आपको देवता जाने से रोका। आज मैं ही आपसे कह रही हूँ, आपका यहाँ रहना उचित नहीं है। आप तो नहीं चाहेंगी कि महाराज या राज पर कोई भी संकट आए? आखिर अपने सुहाग और संतान की रक्षा करने के लिए ही तो स्त्री का जन्म होता है। महादेवी, कुछ भी हो जाए आप महाराज को मना लीजिए, शीघ्र अति शीघ्र यहां से प्रस्थान कीजिए। हम कल सवेरे ही देवधा के लिए प्रस्थान करेंगे।
आप देवता जाएंगी जरूर महादेवी, परंतु वापस नहीं आएंगी। किसी ने सत्य कहा है, स्त्रीहट बालहट और राजहट के आगे किसी के नहीं चलती। और इस समय मुझ में वो तीनों हट हैं, है ना देव? अभी कहता हूं, रुक जाओ। और मैं कहती हूँ जाने दीजिए, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है और मन भी प्रसन्न है, इसी कारण मैं और प्रजापति माता पिता से भी मिल लेंगे। युवराज के जन्म का समाचार मिलते ही आप भी चले आना देवदा। तुमने यहाँ रुकने का सुझाव दिया, वर्षों बाद देखा इस लुम्बनी वन को, पर सुंदरता अलौकिक है, जैसे जैसे मानो धरती पर स्वर्ग। सच दीदी, तुम चलकर उस शाल वृक्ष के नीचे आराम करो, मैं खाने का प्रबंध करती हूँ। जन्मदाता, जन्म लेने वाला, दीदी दीदी तुम बस धीरज धरे डाल थामे रहना। उसने कहा था कि वो आएगा, अब वो आ गया है। बधाई हो दीदी, बधाई हो, पुत्र हुआ है। ए समग्र सृष्टि, बधाई हो तुझे जो तेरा सृजनहार तुझ पर जन्म ले रहा है। क्या देख रहे हो मुनिवर? भारतवर्ष। कपिलवस्तु। मन को छू लेने वाली दिव्य आत्मा, ना सुंदर बालक हमने पहले कभी नहीं देखा। देखो तो कैसे मुस्कुरा रहा है, महाराज देखेंगे तो कितने प्रसन्न होंगे। बड़ी प्रसन्नता का अवसर है नर्तत, जो मैं उस काल में जीवित हूँ जिस काल में एक महान युग पुरुष ने जन्म लिया है। अब तू ही बता, तेरी इस लीला को मैं किस नाम से पुकारूं? अब तुम ही कहो दीदी, युवराज को क्या कह के पुकारे? सिद्धार्थ। बुद्ध बुद्ध, बुद्ध।
आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा। सुनो सुनो ये बुद्ध कथा।